तो कैसे हो मेरे दोस्त? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 12 मार्च, आज का दैनिक न्यूज पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट देखेंगे और उसके बाद में लेक्चर को लेकर आगे बढ़ेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर रियलिटी में आप लोग इसको सोचोगे थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों को रियलिटी में ये बहुत गहरी चोट करती हुई आप लोगों को नजर आएगी, आप लोगों को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझाती हुई नजर आएगी कि बुरी आदतें अक्सर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। कई सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो रही है, ठीक है, लाइफ जो है वो रिग्रेसिव जोन में जा रही है, हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, मतलब उनको लगता है कि ठीक है सब चलता है, चलता रहने देते हैं। ठीक है, अगर यही चीजें जो है 8-10 सालों तक चलती रहती हैं, फिर वो एक जो टाइम होता है जो इंसान कुछ करने का वो निकल जाता है और फिर वो वहां पर अपनी ही आदतों के नीचे दबकर मर जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए जैसे कि स्टार्टिंग में यार दोस्ती में पड़े और बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में लगता है मौज मस्ती में चलो क्या जा रहा है, एक दो नहीं शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया तो एक दो घूट मार ली, सुट्टा वगैरह पीना स्टार्ट किया तो एक दो कस मार लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इंसान करना तो स्टार्ट कर देता है पर लेकिन जैसे जैसे ये चीजें एक तरीके से उसकी आदत बनती चली जाती है वो चीजें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। और रियलिटी है यार ये, अगर आप लोग सही में समझना चाहते हैं आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो आप लोग शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाना, आप लोगों को एक ऐसा इंसान नजर आएगा जो सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन आप लोगों का होगा। जब आदतें खराब हो जाती हैं तो वही सबसे बड़ा दुश्मन होगा, 24 घंटे आप लोगों का दिमाग आप लोगों के साथ में लड़ता रहेगा। आप लोग खुद सोचिए आप लोगों का दिमाग आप लोगों को कितनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं। सुबह आप लोगों को उठना था मान लीजिए 4 बजे, ठीक है, या फिर 5 बजे उठना था या फिर 6 बजे उठना था, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि यार थोड़ा देर और सो लेते हैं और जैसे आप लोग थोड़ी देर सोने के बाद में उठेंगे तो फिर आप लोगों का दिमाग जो है वो आप लोगों को नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देगा। तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे उठा ही नहीं गया, कल भी नहीं उठे थे, आज भी नहीं उठे, तुम्हारे तुमसे होने का ही नहीं है। यानी आप लोग खुद का दिमाग आप लोगों को डिप्रेशन में डालना स्टार्ट कर देता है तो इसके चलते आप लोग आगे का टाइम भी बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रियलिटी है जिंदगी में कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो खुद होता है, इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों का दिमाग सुबह जैसे आप लोग उठे और आप लोगों ने उठते ही बोला कि चलो आज नहीं कोई नहीं लेट हो गए अब यहाँ से टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं तो ऐसे नहीं होता है। आप लोगों का दिमाग आप लोगों को कहेगा कि हाँ डिप्रेशन में डालेगा कि नहीं तुम वो उस लायक इंसान हुई नहीं है, आप लोग की अस्तित्व के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा। और ये सारे क्वेश्चन मार्क किसकी वजह से लगते हैं? ये आप लोगों की आदतों की वजह से लगते हैं। तो जिंदगी में अगर आदतें आप लोगों की सुधर गई, आप लोगों को मान लीजिए 5 बजे उठना था, ठीक है, आप भाई साहब 4:45 पर उठ गए, अभी जो दिमाग है ना जो आप लोग थोड़ी देर पहले आप लोगों को बुरा भला बोल रहा था, आप लोगों को बेइज्जत कर रहा था, आप लोगों को जलील कर रहा था, यही दिमाग अब बोलेगा वाह यार तुम कर सकते हो भाई साहब 15 मिनट पहले उठ गए, तुम तो 4 बजे भी उठ जाओगे कल को। यही दिमाग जो है आप लोगों को मोटिवेट करना भी स्टार्ट कर देगा। तो समझो इसके खेल को आप लोग अपने दिमाग को, जब तक अपने दिमाग के खेल को आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप लोग कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कोई भी काम अगर आप लोगों को करना है तो कम से कम उसको स्टार्ट तो करो, अगर थोड़ा सा आप लोग इसको करना स्टार्ट करोगे तो दिमाग अपने आप लोगों को संभालने लगेगा और उसके बाद में चीजें आगे चलने लगेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो या कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ये जरूर बताना। लेक्चर जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, काफी कुछ डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि आप लोग लेक्चर में खो जाएं तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि ये लेक्चर जो है वीडियो के एंड में कैसा आप लोगों को लगेगा, उसी के साथ में डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आया तो, ठीक है। एक छोटा सा जोक था ये यहाँ पर बेसिकली एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा मैंने कहा क्या ही बात होगी, बस क्या ही बोला जाए इसके बारे में, तो बोला गया यहाँ पर पुतिन साहब जो है वो मोदी साहब को बोल रहे हैं कि लगे हाथ तो भी 2-4 गोले जो है डाल दे पाकिस्तान को निपटा ले, कोई पूछेगा तो बोल देना यूक्रेन से टप्पा खाकर आ गया, ठीक है। तो ये जो बात थी पुतिन साहब के द्वारा जो यहाँ पर बेसिकली जोक के तौर पर यहाँ पर बोली गई माना जा रहा है मोदी जी को, मोदी जी ने सीरियस ले ली। मतलब यहाँ पर ये है कि अभी हमारी कंट्री की साइड से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की साइड में जाकर गिर गई और हम लोगों ने इसका जिक्र भी नहीं किया, हम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया और ये मुद्दा जो है वो काफी गर्मा गया और फिर सामने निकल कर आया। तो फिर इंडिया ने बोला ये एक गलती है, एक ग्लिच है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें होगी। उन्होंने एक तरीके से मेंटेनेंस का काम चलते रहता है, किसी के द्वारा बटन दब गया गलती से, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी एक इंसिडेंट यहाँ पर निकल कर आया देश के अंदर में जो कि काफी ज्यादा मीडिया हाउसेस के द्वारा भी कवर किया गया। तो ये कई सारे ऐसे इशू बन जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग इनको बोल सकते हैं यार ठीक है एक पढ़ने के लिए, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज्यादा सीरियस मत लिया करो ऐसे इश्यूज को, ठीक है। ये सब चलते रहते हैं और जब हमारी कंट्री गवर्नमेंट नहीं सीरियस ले रही है उसने बताया भी नहीं किसी को, ठीक है, तो आप लोग क्यों सीरियस ले रहे हो? तो आप लोग इसको मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत वो हो गया,
बता दिया कि हाँ यार ग्लिच हो गया था, ऐसे तो नहीं हम लोगों ने प्रॉपर टारगेट कर मतलब मारा है, पर आप फिर भी ये बहुत बड़ी बात है अगर वैसे इसको देखोगे सीरियस नोट पर, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये पता चला पाकिस्तान की साइड मिसाइल गिरी, उधर से पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दी, ठीक है समझ रहे हैं आप लोग वहां पर, तो फिर क्या कंडीशन होती, तो वो वाली चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसे नहीं है कि बस हाँ मजे में चीजें चल रही है, बस कुछ भी बोल दिया उठाकर, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, यानी कि हमेशा सिचुएशन को कुछ इस तरीके से लेकर चलना है ताकि चीजें जो है वो एक पैटर्न में लेकर चले, तो ये कंडीशन आप लोगों को वरना खराब होती है फिर नजर आएगी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की गई है, तो एक छोटा सा इशू है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, बाकी एडिटोरियल देखेंगे, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों से काफी सारी बातें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक कर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करूं एडिटोरियल के बारे में, तो एक एडिटोरियल जो है वो काफी उम्दा है यहाँ पर, ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये एक एडिटोरियल है, पर मैं एक और एडिटोरियल मिक्स कर डिस्कस करूंगा, दो एडिटोरियल हो जाएंगे, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर सारे इलेक्शन के हैं यहाँ पर ये दोनों आर्टिकल, और ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली अभी हमारी कंट्री में जो फ्लाइट वगैरह है इंटरनेशनल लेवल की वो स्टार्ट की जा रही है, तो उसके चलते हैं आने वाले टाइम में चीजें नॉर्मल होती नजर आ रही है, कोविड 19 के चलते जितनी भी सारी चीजें रुक गई थी वो एक पैटर्न में आ रही है, उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी पर मेन फोकस है आर्टिकल के अंदर में, आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने इतने शानदार तरीके जीत लेकर आएगी, 92 सीट यहाँ पर इनके खाते में गिरी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 117 में से 92 सीट जो है बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर पंजाब के अंदर में अभी यहाँ पर अब तक जो थी कांग्रेस थी, अभी यहाँ पर बीजेपी आएगी, ठीक है। तो इसके चलते सिचुएशन देखने वाली यहाँ पर ये है, इसी के ऊपर आर्टिकल लिखे गए कि अभी फिलहाल अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्री की चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर फ्री की चीजों के ऊपर फोकस करके काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी ऐसी बातें बोली गई, यानी कि अपना थोड़ा सा मॉडल चेंज करना पड़ेगा, जो दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जा रहा है फ्री फ्री वो सारी चीजें पंजाब में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कई सारी बातें ऐसी बोली जाती है, जैसे दिल्ली में क्या बोलते हैं कि जो ठेके हैं वो काफी रात तक भी खुले रहते हैं, दबाकर शराब बेची जाती है, और पंजाब में बोल रहे हैं कि बेसिकली पंजाब को ड्राई स्टेट बना देंगे, यानी कि नशा मुक्त बना देंगे, यानी कि दिल्ली वालों को दारू पिलानी है और पंजाब वालों को बेसिकली नशा मुक्त बनाना है। तो कई सारे लोग इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये एक तरीके से दोगली अप्रोच है। तो वो सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ क्या करना है, क्योंकि एक तरीके से अगर कल को चलकर नेशनल लेवल के लीडर बनना है तो फिर यहाँ पर एक पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ बोला जा रहा है कहीं पर कुछ, तो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वही सारी चीजें समझाई गई है। बाकी यहाँ पर बोला गया कि क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी जीत कर आई यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर दिए गए, जैसे फ्री राशन कार्ड, सब्सिडी वगैरह, किसान सम्मान निधि हो गया, उज्ज्वला योजना, हेल्थ स्कीम कई सारी होगी, ठीक है, मनी अगर कोई एक तरीके से अकाउंट में जो ट्रांसफर किया जा रहा है कई तरीके से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे यहाँ पर इश्यू बनाए गए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई, तो बीजेपी को महिलाओं की काफी सपोर्ट मिली, ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में रिलीजियस एजेंडा जो है ये भी हिंदू बोल रहे हैं कि इसके चलते भी जो है एक अलग फंडा देखने को मिलता है। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए जो कि आप लोग कुछ देख सकते हैं और कुछ इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें आज का, अगर आप लोगों से यहाँ पर एस से दू या फिर आप लोग इसको एथिक्स का कोट या फिर आप लोग इसको एक अलग तरीके से कहीं लिखने के लिए आ जाए एथिक्स के बारे में, तो आप लोग बोल सकते हैं। बोला गया द बेस्ट टेस्ट ऑफ द मैन ऑफ ए मैन इज ऑथोरिटी, यानी कि अगर एक इंसान को आप लोग चेक करना चाहते हैं तो उस इंसान को आप लोग ऑथोरिटी देनी चाहिए, यानी कि अधिकार देने चाहिए। अधिकार देने के बाद में पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा, एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुना है कि नहीं सुना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि जब एक इंसान जो है यहाँ पर जब पावर की बात करते हैं तो इंसान के पावर देने के बाद में पता चलता है कि वो कैसा इंसान है, ठीक है, एक तरीके से। यानी कहने की एक तरीके से आप लोग देखोगे पावर के नशे में चूर है इंसान, वो वाली सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंडीशन थोड़ी सी एक अलग ही पैटर्न में रहती है। तो यहाँ पर इंसान को ऑथोरिटी देने के बाद में भी अगर वो एक तरीके से सही पैटर्न में काम कर रहा है तो वो इंसान एक जेन्युइन पर्सन, ऐसे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको यूज करिएगा आप लोग यहाँ पर, जैसे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे लिखने के लिए लीडरशिप के ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे आते हैं, ठीक है, तो उसके तरीके से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो आर्टिकल है उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है जो यूपीएससी में यहाँ पर 2011 में पूछा गया कि फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन ए जो न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी कि जो हैवी वाटर रहता है भारी जो पानी रहता है उसका क्या फंक्शन है अगर बात करें यहाँ पर न्यूक्लियर के अंदर में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में। स्लो डाउन करना स्प्रेड ऑफ द न्यूट्रॉन, इंक्रीज करना स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, कूल डाउन करना रिएक्टर, ठीक है, स्टॉप करना न्यूक्लियर रिएक्शन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है।
नंबर दो यहां पर अगर सॉरी ये तो हिंदी में हो गया ठीक है, एक और नंबर दो क्वेश्चन यहां पर ये कि इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करें तो बोला गया कि वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर कैप्ट अंडर IAEA सेफ गार्ड, ये आप लोग को बताना है ठीक है। तो ये बताया गया यहां पर, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको रखा नहीं जाता है, तो यानी कुछ तो ऐसे हैं कि जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर रखा जाता है और कुछ को नहीं रखा जाता है, तो ये आप लोगों को बताना है रीजन क्या है। तो बोला गया कुछ यूरेनियम जो कुछ तो ऐसे हैं जो यूरेनियम के ऊपर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं थोरियम के ऊपर चलते हैं ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि इंपोर्टेड यूरेनियम के ऊपर चलते हैं, कुछ ऐसे डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर चलते हैं ठीक है। तीसरे बोला गया कि यहां पर कुछ ऐसे हैं कि जो फॉरेन एंटरप्राइज जो है उनको ऑपरेट करते हैं, कुछ ऐसे डोमेस्टिक उनको ऑपरेट करता है, कुछ ऐसे हैं गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट ऑपरेट करता है। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारी बातें और भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी आर्टिकल क्यों आया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसके चलते आप लोग सिचुएशन को जान पाओगे और बहुत सारी बातें और भी आप लोग समझ पाओगे, तो यहां पर उसको मैं समझाऊंगा काफी डिटेल में, और क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो कंफ्यूज भी मत होइएगा ठीक है। और ये जो क्वेश्चन के पूछे इनके आंसर आप लोग दीजिए, फिर आप लोगों को मैं आंसर ही बताऊंगा। यहां पर आप लोगों से मेंस का भी क्वेश्चन देता हूं, देखिए रेगुलरली आप लोगों को मेंस का भी क्वेश्चन मिलता है, उसको आप लोग जरूर लिखना है। बोला गया न्यूक्लियर एनर्जी जो है although has a potential to solve the India's energy problem but carry great inherent risks, यानी कि अगर आज के दिन बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इनके परमाणु ऊर्जा जो है वो एक समस्या का हल कर सकते हैं हमारी कंट्री में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन दूसरी साइड में अगर बात करें इसमें जोखिम भी है ठीक है। तो यहां पर इसके विस्तार में जोखिम भी है, तो वो जोखिम क्या क्या होंगे उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। तो बहुत सारी तमाम बातें आप लोग जब यहां पर जानेंगे तो कई सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे, तो इसलिए चीजों को समझिएगा अच्छे से ताकि आप लोग सिचुएशन को अच्छे से जान सके और उसके बारे में लिख भी सके ठीक है। सबसे पहले अगर नाम से आप लोग देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर मतलब किसी भी चीज का न्यूक्लियर होगा उसमें से एनर्जी निकलेगी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर या फिर कोर एटम जो रहता है ना एटम के कोर में से जो एनर्जी निकल कर आती है उसको आप लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसके नाम पर यहां पर इस एनर्जी का नाम रखा गया। आप लोगों को यहां पर बताया भी गया था, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यूरेनियम जो है वो फटा ठीक है, उसमें से दो प्रोडक्ट बन गए, उसमें से न्यूट्रॉन निकल गए, तो यहां पर ये बेसिकली एटम फटा ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि यहां पर जो ये रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं फिजन ठीक है, फिजन के होने से यहां पर बेसिकली ये पूरी एनर्जी होती है, इसके बारे में भी आप लोगों से बातें करूंगा। पहले यहां पर समझ लेते हैं आखिर मुद्दा क्या क्या है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि यहां पर यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके बारे में हम लोगों ने बातें की कि यहां पर काफी बुरी दिक्कतें देखने को मिली पास्ट में भी यूक्रेन में, चेर्नोबिल के बारे में बातें की गई, तो उसी के चलते बात की जा रही है। तो यूक्रेन के अंदर एक पावर प्लांट था जिसमें यहां पर काफी सारे लोगों ने बोला कि यहां पर दिक्कत हो जाती है कई बार जब वॉर होती है और कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है तो यहां पर सबसे पहले लोग उसी को टारगेट करेंगे कि एक तरीके से कुछ करना नहीं, एक छोटा सा बम गिरा दो बाकी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप काम कर लेगा। तो क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेफ है यहां पर, तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। कल को चलकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहां पर, कोई यहां पर डिजास्टर आता है तो कितने अच्छे से आप लोगों को उसको लेकर चल रहे हैं, तो उसी के बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ये बेसिक है यहां पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यहां पर इसका नाम जो है इसको बोला गया जेप सोरिजियस, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रशिया के द्वारा कंट्रोल में लिया गया और यूएनएससी के द्वारा इमीडिएट एक मीटिंग बुलाई गई। कहां पर है अगर कोई पूछे आप लोगों से तो याद रखिएगा नीपर रिवर यहां पर, जिसको डी साइलेंट होगा नीपर रिवर आप लोग इसको बोलेगा। तो चेर्नोबिल जो है यहां पर ऑलरेडी यहां पर दिक्कतें देखने को मिली थी, जो यहां पर दिक्कतें आई थी निकलकर आप लोग देखते हैं चेर्नोबिल में काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो गई थी। अभी यहां पर ये ऐसा ही एक यहां पर कंडीशन बन सकती है, यानी किसी कंट्री को अगर आप लोगों को बर्बाद करना है तो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आप लोग अटैक कर दीजिए, वो कंट्री अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हमारे देश में क्या कंडीशन है अगर इसको हम लोग समझेंगे तो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पूछ रहे आप लोगों से कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किस किस देश में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली ठीक है, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे पर चाइना, चौथे पर रशिया, पांचवें पर साउथ कोरिया और छठे पर इंडिया ठीक है। तो यहां पर हालांकि इंडिया जो है वो यहीं पर ही आकर बैठ गए, यहां पर इनके इंडिया में भी लगभग इतने ही आज के में न्यूक्लियर रिएक्टर हो चुके हैं, यानी कि साउथ कोरिया और इंडिया को एक साथ आप लोग रख सकते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में ये चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है। डेटा थोड़ा पुराना है तो था 19 का, पर प्रेजेंट टाइम पर यहां पर हमारी कंट्री में 23 हो गए हैं, 23 मतलब 23 का काम चल रहा है, वैसे 22 आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, तो 23-22 में यहां पर आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि अभी यहां पर इसके ऊपर काम चल रहा है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ऐसा हो गया मतलब कुछ ऐसे है। तो यहां पर ये नंबर है, अलग अलग अगर आप लोग देखेंगे तो कई सारे एरिया में आप लोगों को नजर आ जाएंगे हमारी कंट्री में न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एनर्जी जो है जो हमारी कंट्री में निकाली जा रही है ये काफी लार्ज स्केल पर आज के दिन में हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है। इसको अगर आप लोग देखना चाहेंगे अगर बात करें यहां पर तो ये देख सकते हैं कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जैसे रावतभाटा हो गया राजस्थान में, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, कुंदाकुलम हो गया तमिलनाडु के अंदर में, तो ये यहां पर ऑपरेशन जो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ऑपरेशन ठीक है।
कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं यहाँ पर और कई सारे प्लान किए जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 23 अभी यहाँ पर बोले जा रहे हैं, तो लगभग ये कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है 6,780 मेगावाट। ठीक है, अभी इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, पहले यहाँ पर कुछ और मुद्दा समझते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप लोग बात करें कि कितनी एनर्जी यहाँ पर बनाई जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगभग 10% जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस की जा रही है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, अगर आप लोग इसको काउंट करोगे तो कम नहीं है। तो कोई पूछ ले दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके द्वारा बनाई जा रही है यहाँ पर, तो याद रखिएगा 10% यहाँ पर बनाई जा रही है। किससे ये बनाई जा रही है? न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये ऑपरेशनल जो होते हैं, ये आजकल में लगभग 30 कंट्री ऐसी है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर यूरेनियम का यूज करके एनर्जी बनाई जाती है। फ्रांस के अंदर अप्रोक्सीमेट 75% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर मैक्सिमम एनर्जी आप लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी से निकलती है नजर आती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए यहां पर हो गया। टोटल अराउंड द वर्ल्ड लगभग 450 न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि ऑपरेटेड है। अगर सोचो कि ये सारे जो न्यूक्लियर हैं इनके ऊपर अगर आप लोग कल को चलकर बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दो तो इनकी कितनी खस्ता हालत हो जाएगी, इससे एक अंदाजा आप लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि कल को चलकर अगर इनके ऊपर इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया तो सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब यहाँ पर हो सकती है। तो है ना कि कंडीशन अगर इसको बोला जाए, तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफी बड़ी बात है अपने आप में यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर ये हो गया कि आज के दिन में सिचुएशन खराब हो सकती है अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर इनको सेफ या फिर सिक्योर नहीं किया जाए। अगर बात करें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रही है कई सारे एरिया में, खासकर जैतापुर के बारे में बात करें महाराष्ट्र में, अभी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल दे रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे अभी कल को चलकर पाकिस्तान के साथ में जैसे कोई गड़बड़ी होती है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, तो वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ में सिचुएशन भी खराब हो सकती है यहाँ पर कल को चलकर, जैसे अभी हम लोगों ने मिसाइल के बारे में देखा। ठीक है, कल को पाकिस्तान की साइड से एक आधी मिसाइल आ गई, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दी, हम पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, तो गलतियां बहुत सारी हो जाती है कई बार, और कई बार गलतियां भी बहुत बड़ा रीजन क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर अभी फ्रांस के कोऑपरेशन से हम लोग बना रहे हैं, फ्रांस ऑलरेडी यहाँ पर अपने हाथ चला रहे हैं दुनियादारी। तो बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी है जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ये बहुत महंगी बहुत कॉस्टली पड़ रही है इंडिया को, बहुत ही महंगी पड़ जा रही है हम लोग को अगर ये एनर्जी हम लोग यूज करें। एज कम्पेयर टू अगर आप लोग देखोगे दूसरी एनर्जी जो यूज करनी चाहिए वो है सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी आज की डेट में इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा सस्ती पड़ गई है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे शब्दों में बोलो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, या जियो थर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बेसिकली ये लगता है कि कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि सूरज है तो बेसिकली आप लोगों को रोशनी मिलती रहेगी, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हवा चलती रहेगी, हवा रुकने वाली तो है नहीं यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर पानी है ऊपर से ऐसे बहता रहेगा तो पानी जाता रहेगा तो पानी से क्रिएट की जा रही है, तो इससे नुकसान बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। पर लेकिन अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर आज के डेट में ये जो न्यूक्लियर एनर्जी, इससे बहुत सारे नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बिल्कुल मस्त एनर्जी है, मतलब कोई आप लोगों से पूछ ले कि क्या न्यूक्लियर पावर जो है वो जीरो एमिट एक तरीके से जीरो एमिशन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या ऐसा कुछ है कि वो बिल्कुल भी एमिशन नहीं करते हैं? अरे सोचो तो सही भाई साहब, यूरेनियम को निकालने में, ट्रांसपोर्ट करने में, फिर प्रोसेसिंग करने में, ठीक है, फिर अगर यहाँ पर वेस्ट बच गया उसका, फिर उसको लेकर जाने में, वो दुनिया भर का वेस्ट बच जाता है, उसका क्या किया जाएगा? तो ऐसा है कि कोई भी चीज ऐसी है यहाँ पर ऐसा नहीं है सोलर एनर्जी के अलावा कि यहाँ पर एक तरीके से वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सोलर एनर्जी क्या दूध का धुला हो गया? सोलर एनर्जी में बात करें, ये जो प्लेट्स होती है जो यहाँ पर ये प्लेट्स लगाई जाती है, कल को चलकर यहाँ पर ये प्लेस जो होते हैं जब वेस्ट जनरेट होता है इनका, उसको टैकल करने के लिए हमारे पास अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी दिक्कत क्रिएट करेगी। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको आप लोग 100% प्योर बोल सकते हो, हम लोग कंपैरेटिवली देखते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को इंडियन ईयर बुक पढ़नी है, ठीक है, और एक साइड में आप लोगों को लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो इंडियन ईयर बुक के कंपेयर में अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आप लोगों के निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि इंडियन ईयर बुक में उतनी सारी चीजें अपडेट नहीं होती है, ठीक है, पर लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीज देखने को। कोई बोला इंडियन ईयर बुक पढ़ने इतने सारे चैप्टर या फिर इतने करंट अफेयर पढ़ने, तो इंसान जो है नॉर्मली करंट अफेयर को ज्यादा फॉलो करना पसंद करेगा क्योंकि वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। पर करंट भी वो वाला करंट नहीं कि हाँ क्या क्या चल रहा है बस बता दिया फटाफट, करंट होना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में वो वाला, और एडिटोरियल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से आप लोगों का सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एनर्जी के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी से हटकर थोड़ा सा साइड में हम लोग को चलना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, अगर ओरिजिन आप लोग देखेंगे, हिस्ट्री आप लोगों से कोई पूछने लगे, तो 1944 में यहां पर हमारी कंट्री में थ्री स्टेज टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा यहां पर,
जिसके चलते हमारी कंट्री में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पर पिक्चर में आया और न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। टाटा ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी कंट्री के प्रोग्रेस में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जाकर, ठीक है। इंडिया जो है लगभग 23 न्यूक्लियर रिएक्टर है इन ऑपरेशन, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप लोगों को देखने को मिलेंगे और लगभग 7480 के करीब मेगावाट आप लोगों को कैपेसिटी यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि अभी चीजें और ज्यादा बढ़ रही हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर डेटा बताया वो थोड़ा पुराना था, अभी यहां पर ये थोड़ा सा और अपडेटेड जो आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। अभी यहां पर कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये क्वेश्चन बन गया था डायरेक्टली कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर में है। तो इसको ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर में जो कि तमिलनाडु के अंदर में। दुनिया भर का प्रोटेस्ट यहां पर लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट जो है जब अपनी चीजें करने पर आती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है, ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें इंस्टॉल न्यूक्लियर जो पावर कैपेसिटी इन द कंट्री वो 6780 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर यानी कि अभी यहां पर बढ़ाई जा रही है, जैसे मैंने बताया ना अभी यहां पर इतनी है और यहां पर अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इतनी कि यहां पर टोटल ओवर करने की बात नॉर्मली की जा रही है अभी फिलहाल। तो इनमें कंफ्यूज मत होना ज्यादा, नंबरिंग देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, कल को एक और लगा देंगे फिर हो जाएगा, पर एक आइडिया को आप लोगों को समझना है बेसिकली, ठीक है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है कि ठीक है पहले अप्रूवल ले लिया अब काम करते रहो आप लोग, तो उस तरीके से अप्रूवल हमारे देश में भी रिसेंटली कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिया गया, तो क्या ये सही है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है टोटल एनर्जी जनरेशन इन द कंट्री ओनली 1% है, जबकि दुनिया में 10% है अगर देखा जाए। 2020-21 का डेटा है आप लोगों के सामने, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि इसको और अच्छे लेवल पर हम लोग को लेकर आना है, पर लेकिन दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना जिनके बारे में बात करो जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, ये अपना पैटर्न चेंज कर रही है। ये पहले न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहा करती थी, पर लेकिन अब आज की डेट में इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़कर ये सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको दिक्कतें बताएं क्या क्या दिक्कतें यहां पर आ सकती है, तो हमको भी कुछ ऐसे ही काम करना चाहिए, हाँ या फिर ना आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उसी के चलते यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग को काम करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई बार आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादातर फोकस किया जाता है थोरियम के ऊपर, थोरियम के द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री का यूज करने का बेसिक पर्पज यह रहता है कि थोरियम के ऊपर हम लोग काम करें, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लगभग 360,000 थोरियम आप लोगों को मिल जाएगा टन, जबकि यूरेनियम जो है वो 70,000 के करीब आप लोगों को डिपॉजिट देखने को मिलेगा। और ग्लोबल अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का निकल जाए तो ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को 25% आप लोगों को यहाँ पर ग्लोबल रिजर्व आप लोगों को थोरियम का देखने को मिल जाएगा। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें तो एनर्जी पॉवर्टी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, क्योंकि देश काफी बड़ा है, आज के दिन 20% पॉपुलेशन ऐसी है जहां पर प्रॉपर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आप लोगों ने हालांकि सुना होगा कि बोला जाता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं? चलिए छोटी सी बात बताता हूं आप लोगों को। अगर कोई बोले कि इंडिया के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तो इसका मतलब ये होता है, एक डेफिनेशन है बेसिकली। जैसे कोई बोलता है ना कि ये पढ़ा लिखा इंसान है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसको लिखना आ गया और थोड़ा सा अपना नाम वार्ड वगैरह लिखना और थोड़ा पढ़ना आ गया तो इसको पढ़ा लिखा एक लिटरेट इंसान बोलते हैं, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में क्या ये लिटरेट इंसान हो गया जिसको अपना नाम पढ़ना आ गया बस आप लोग इसको लिटरेट इंसान बोलोगे? ऐसे ही कुछ डेफिनेशन हमारी कंट्री में बना रखे किसकी, यहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की। अगर किसी एरिया में 10% एरिया किसी गांव का इलेक्ट्रिफाई हो गया, यानी कि वहां पर पंचायत स्कूल अस्पताल वगैरह और 10% टोटल मिलाकर गांव को वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो इसका मतलब है कि वो गांव जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की कैटेगरी में आ चुका है, ये माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी कंट्री में जब बोला गया कि जो बेसिकली फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ाना है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो छोटे छोटे पेड़ है ना जगह जगह लगे हुए उनको भी फॉरेस्ट में काउंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वही बात होती है एक तरीके से कि अपने आपको तसल्ली देना सांत्वना देने वाली बात होती है, तो यही देखने को मिलेगा। वैसे तो हमारा देश जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है कि हमारे देश में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है, पर रियलिटी में 20% पॉपुलेशन आज के डेट में भी ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब है, उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहां पर बोला जाए पर कैपिटा जो कंजप्शन है हमारी कंट्री का वो आप लोग काफी लो देखने को मिलेगा आज के टाइम भी, इंटरनेशनल लेवल के कंपेयर में आधा है ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि जितना दुनिया यूज कर रही है हमारी कंट्री में अभी आज के टाइम आधा है, यानी कि हमारी कंट्री आज के टाइम भी उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि हम लोग बोल सके कि हम लोग एक सही लेवल पर अपनी कंट्री में एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। आज के टाइम भी लोग जो है वो गांव में अगर आप लोग जाओगे तो पेड़ के नीचे लेटे हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं कि आज के टाइम भी सबके घर में कूलर पंखे लगे हैं, एसी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में और भी इशू देखने को मिलेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा जो है इसकी वजह से अभी हम लोगों ने देखा जब यहाँ पर अभी बातें की गई थी कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हम लोग खुद अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यहाँ पर एमिशन फ्री एरिया में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यूक्लियर जो है वो एमिशन फ्री तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इससे भी काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है।
तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी इसके ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं और बात की जा रही है कि रिड्यूस करने कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी, ये 30 से लेके 35 बोला गया था 2030 तक, हालांकि हम लोगों ने अभी इसको बढ़ाकर, आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने जो 5 नए अभी हम लोगों ने यहां पर कसमें खाई है बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में, तो ये जो 35 था इसमें 10 ऐड कर दिया, यहां पर हम लोगों ने इसको 45 कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। 2070 तक का हम लोगों ने क्या बोला है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, वो आप लोगों ने देखा। 500 गीगावाट की बात की जा रही है, हम लोगों ने क्या किया उसमें कि हम लोग 2030 तक का अपनी कंट्री में बेसिकली एनर्जी को लेकर आएंगे, मतलब इतनी रिन्यूएबल एनर्जी को, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसके बारे में कल को कोई पूछ ले तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यार आज के में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक तो इतनी ज्यादा कॉस्टली है, ऊपर से आप लोग इसको फिर भी कंटिन्यूअसली यूज करने की बात करो जबकि आप लोगों को पता है कि कितना नुकसान यहां पर दे सकती है, और जो अमीर अमीर कंट्री है वो इससे दूर भाग रही है और हम लोग इसके पास में आ रहे हैं, इनके लोग जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है, इससे हम लोग को थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी यूक्रेन के अटैक करने के बाद में यहां पर अभी रशिया के अंदर माहौल देखने को मिला, कल को ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर भी देखने को मिल सकता है अगर हम लोगों ने इन चीजों को नहीं संभाला। अगर हम लोग मान लीजिए सोलर पैनल लगा दिया, कर लो अटैक किसको करना है सोलर पैनल पर, क्या बिगाड़ लेगा, विंड पैनल लगा दिया हम लोगों ने यहां पर, कर लो अटैक, ये टूटेंगे बस फिर क्या होगा, फिर लगा लेंगे, पर लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर दिया तो अपने ही देश के अंदर में हम खुद ही बम फटका बैठेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, क्या सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी, तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब यहां पर आप लोगों को नजर आती है, तो यहां पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भी हम लोगों को चलना पड़ेगा, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो संभल पाएगी, वरना आने वाले टाइम में ये सिचुएशन खराब हो सकती है, और जैसा माहौल बन रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हम लोग को थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, ये बातें यहां पर बताई जा रही है। देखिए मुद्दा क्या होता है, मुद्दा यहां पर ये होता है कि आप लोगों को एनर्जी तो चाहिए, उसी के साथ में सिक्योरिटी भी चाहिए, तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखकर लेकर चलना पड़ेगा चीजें कि हाँ सारी चीजें प्रॉपर वे में यहां पर चले, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहां पर बोली गई हैं इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी यहां पर मैंने आप लोगों से बात की थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा देता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1957 में बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, कोई ना कोई पर्पज होगा, जी हाँ हर एक काम किसी न किसी पर्पज से होता है, बिना पर्पज के कोई काम नहीं होता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है पीसफुल न्यूक्लियर यूज, यानी कि न्यूक्लियर जो है एक तरीके से एनर्जी का पीसफुल यूज होना चाहिए लोगों को बिजली प्रोवाइड कराने के लिए, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। तो ये देखती है कि अगर यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई यूरेनियम वगैरह बेचा जा रहा है, न्यूक्लियर कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो जो बेचा गया है वो ढंग से यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे ईरान में आप लोगों ने देखा, अगर न्यूक्लियर एनर्जी यहां पर ये बना रहे हैं बेसिकली तो सही है, पर लेकिन अगर बॉम्ब बनाने की प्रवृत्ति में वो आ गए तो फिर गलत है, ये बातें बोली जाती हैं। तो ये ध्यान रखती है एजेंसी कि यहां पर कौन कौन यहां पर काम कर रहा है। तो ये 1957 में इसलिए बनाई गई थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ध्यान रखा जा सके ऐसी कोई दिक्कत अगर देखने को मिल रही है, और वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी जब यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर बताऊंगा। 173 इसके मेंबर आप लोगों को आज के डेट में नजर आएंगे इसके, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप लोगों से कुछ बातें बताता हूं जो कि आप लोग समझ पाओगे। यहां पर क्वेश्चन पूछा था मैंने, बेसिकली मैंने कहा यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, बोला गया कि अगर बात करें व्हाई आर द सम न्यूक्लियर रिएक्टर कैप्ट अंडर आईएईए और बाकी को नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो आंसर क्या है इसका, ये जो शाम को 8:30 बजे वाली वीडियो आती है उसमें ये टॉपिक मैंने पूरा कवर किया था आप लोगों का, याद होगा आप लोगों को जब यहां पर यूक्रेन वाला इशू आया था, याद आ रहा है ये, तो यूक्रेन वाला इशू मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों का कवर किया था यहां पर। अभी एडिटोरियल के ऊपर आ गया तो यहां पर इंडिया के रेस्पेक्ट में इनके द्वारा लिखा गया, तो वो वाला भी मैंने आप लोगों को यहां पर एक ओवरव्यू दे दिया और यहां पर इंडियन रेस्पेक्ट भी आप लोगों को बता दिया और बाकी एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें बता दी। क्वेश्चन भी हो गए, आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी हो गए और यहां पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों के हो गए और कहां कहां पर कितनी एनर्जी है वो भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो अब आप लोगों के लिए कल को चलकर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कुछ लिखने के लिए आ जाए या फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से इंटरव्यू के अंदर भी या फिर किसी को समझा भी सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर किया गया। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका सेकंड, बोला गया अगर कल को बाहर से हम लोग यूरेनियम खरीद कर लेकर आते हैं और उस यूरेनियम का यूज करते हैं अपनी कंट्री में एनर्जी जनरेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो सही है। पर लेकिन अगर बिजली बनाने के लिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, हम लोग उसको बेसिकली अलग तरीके से यूज करें, गलत तरीके से मिसाइल बनाने के लिए या न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने के लिए, तो गलत है। तो इसलिए यहां पर इंपोर्टेड जो यहां पर एक तरीके से जो इंपोर्टेड यूरेनियम है, ठीक है, तो उसको यहां पर बेसिकली ध्यान देगी कि उसका ढंग से यूटिलाइज होना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और बाकी जो डोमेस्टिक है वो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोग यहां पर इसका बोल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा यहां पर इसके बारे में, ये क्वेश्चन क्या है, ये बात की जा रही है फंक्शन ऑफ हैवी वाटर के बारे में। तो फंक्शन ऑफ हैवी वाटर के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का क्या काम होता है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरल साइंस के अंदर आप लोगों का बन जाते हैं, जिसको आप लोग ढंग से समझिएगा। हैवी वाटर जो है यहाँ पर अगर आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब भी टूटता है यहाँ पर एक तरीके से एटम, उसमें से यहाँ पर दो न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉन सॉरी यहाँ पर निकल कर आते हैं, और ये तीन न्यूट्रॉन फिर क्या करते हैं आगे चलकर तीन को और तोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये आगे तीन को तोड़ेंगे, फिर ये आगे यहां पर तीन को तोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं और ये चेन रिएक्शन बन जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको रोकेंगे नहीं तो ये काफी बड़ा एक ब्लास्ट के तौर पर यहां पर निकल कर आएगा, और ये रिएक्शन को आप लोग फिजन बोलते हैं, FISSION फिजन। तो फिजन जो रिएक्शन होती है ये न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। आप लोगों से कोई पूछ रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके बेस पर हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, तो फिजन के तौर पर यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको कंट्रोल कर लिया जाता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए तीन न्यूट्रॉन निकल कर आए तो तीन में से दो को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया और एक को आगे जाने दिया, फिर इसने जाकर थोड़ा उसमें से तीन निकले फिर दो को कंट्रोल कर लिया, तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है यहां पर। तो ये जो हैवी वाटर यहां पर यूज किया जाए तो स्लो डाउन करता है जो स्पीड होती है ऑफ द न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से यहां पर जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में चलती रहती है यहां पर ये, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, इसका आंसर ए हो गया। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए कल को चलकर अगर कोई क्वेश्चन बने तो ये बातें हैं। तो यहां पर एक मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, मैंने बता दिया अभी आप लोगों को किसके बारे में, ये फ्यूजन के बारे में बता दिया। ऐसे ही एक फ्यूजन होता है, फ्यूजन में क्या रहता है वहां पर दो एटम आकर मिल जाते हैं, और ये जो फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है इससे एटम बम, नॉर्मली आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन बम जो मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, यहां पर अगर सूरज के अंदर भी आप लोगों को फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी बड़ा एक पावरफुल रिएक्शन होता है वो। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा सूरज के अंदर में फ्यूजन होता है ना कि फिजन होता है, ठीक है। तो फिजन में मतलब टूटना और फ्यूजन में एफ यू, तो यू का मतलब है यूनाइट हो गए, ऐसे याद रख लेना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और फिर बोल देते हो क्वेश्चन कहां से आ गए। तो भाई साहब ये बेसिक साइंस है जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ी होगी, नाइन्थ में पढ़ी होगी, ठीक है, ये वहां से निकल कर आती है। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक साइंस है, और यहां से इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोग कई बार बन जाते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गया आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिल रहा है, ये आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, और एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, मतलब ये तो दो क्वेश्चन हो गए और एक आंसर राइटिंग का हो गया। अटेम्प्ट जरूर करिएगा, आंसर राइटिंग का हालांकि देना नहीं था, आज एसे का टाइम है आप लोगों का, एसे लिखना था, पर लेकिन आंसर राइटिंग का भी मैंने दे दिया, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करना। पीडीएफ आप लोगों को देखिए यहाँ पर मिल जाती है स्टडी लवर वीक के नाम से, लगभग यहाँ पर 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हैं, तो यहाँ से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करें। आंसर राइटिंग कहां पर करते हैं, वीर तालियान के नाम से ऑफिशियल है यहाँ पर, ये ऑफिशियल वीर तालियान, ठीक है। तो यहां से डेली दो क्वेश्चन देता हूं, पूरी प्रिपरेशन करके चलनी है अच्छे से, अगर रियलिटी में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए कोशिश किया करो कि जरूर लिखा करो, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोल रहा हूं अकेले, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यहां पर लिख रहे हैं, अगर आप लोग जाकर देखोगे उनके आंसर आप लोग यहां पर देख सकते हैं और अपना आंसर भी आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आगे बात करें एसएलवी पीडीएफ है, यहां पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाते हैं जो भी मैं कई सारी चीज शेयर करता हूं, तो यहां से जाकर आप लोग देख ले कीजिए, बहुत सारी चीजें यहां पर इकट्ठी है और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज इनका नहीं है, आप लोग बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो ये दो आर्टिकल मैंने कंबाइन कर पूरा आप लोगों को यहां पर पढ़ा दिया, अब आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे यहां पर, आज अब आगे देखते हैं यहां पर कौन कौन सी न्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यूज एनालिसिस के अंदर में, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। और हाँ एक छोटी सी बात यार, अभी एक क्या मतलब कई सारे बच्चों के द्वारा ये चीज नोटिस की गई, मतलब मुझे मेल भी किया गया कई सारे बच्चों के द्वारा, कमेंट में पूछा गया एक दो के द्वारा, कह रहे कि सर कुछ बात हुई है कि मतलब जिस तरीके से पढ़ाते थे कुछ ऐसा दिख रहा है कि उस तरीके की एनर्जी नहीं दिख रही है, मतलब कुछ इस तरीके से, तो मतलब कई सारे कमेंट किए गए बच्चों के द्वारा। तो यार हाँ छोटी सी बात हुई एक्चुअली, अभी मतलब मेरी ही उम्र के मेरे जो मामा जी के लड़के थे उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो मतलब हम उम्र जब इंसान कोई साथ में जाता है तो यार चीजें देखो थोड़ी सी ना एक अलग ही पैटर्न में हो जाती है, ठीक है। एक अपनी उम्र का बंदा जिसके साथ में रहे हैं खेले हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है बचपन में मामा कैसे होते हैं, मतलब मामा के घर जाना है सबको रहता है, तो मतलब वही था छुट्टियों में जाया करते थे सब, अब बड़े हो गए थे खैर, पर लेकिन फिर भी अभी उम्र ही क्या थी, तो अभी रिसेंटली वो हमारे बीच में से चले गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब अंदर से मतलब इंसान मतलब थोड़ा सहमसा गया मैं एकदम जब मैंने इसके बारे में सुना, तो उसकी वजह से थोड़ा ही चल रहा है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर देख रहे हैं कि क्या मतलब थोड़ा सा वो वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग सारी चीज़ें, तो अभी चीज़ें अभी तेरी वेरी भी हैं वो सब चीज़ें तो चल रही हैं, पर वो ये कि मैंने सोचा लेक्चर नहीं रुकना चाहिए आप लोगों का, लेक्चर देखिए यार ये मेरा काम है, ठीक है, एक तरीके से मैं इसको एज ए अपने एक ड्यूटी के तरीके से इसको लेता हूँ, मैंने कहा ये चलती रहनी चाहिए, बाकी तो यार देखो जो हो गया वो अपने हाथ में नहीं होती चीज़ें, वो सब चीज़ें तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में, पर वही है चीज़ें हैं यार चलती हैं, पर अपना भी काम आप लोगों को देखना है, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा देखो कोई भी चीज़ें बोलता हूँ ना मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं कहीं भी कुछ भी हूँ किसी भी कंडीशन में हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का लेक्चर जो है वो रहना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि यार देखो
चीजें जो है ना, कम से कम आप लोगों को अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा। ये लाइफ की चीजें हैं, आपके पास में सारे घर वाले हैं तो एक एक करके जिंदगी में से कोई ना कोई जाता रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मतलब मैंने बहुत सारे देख लिया इस तरीके से, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, उससे पहले मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे, सबसे पहले मैंने अपने घर में जब किसी को देखा था जाते हुए, मेरे ताऊजी थे जब पहली बार गए, भाई साहब मतलब ऐसा लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, लगता था यार सब साथ में रहेंगे, कभी कोई जाएगा नहीं। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मतलब अंदर से हिल गया था यार मैं उस टाइम पर, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि मैंने आदमी ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, कभी आएगा भी नहीं। देखा था दुनिया, मतलब दूसरों को जब देखते ना इंसान, क्या उनके घर में डेथ हो गई, एक्सीडेंट से वो चला गया, तो लगता है हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। पर जब अपने साथ में होती है ना हर चीजें कोई, तब इंसान को समझ में आता है कि अच्छा यार ये तो मतलब जिनके साथ में यहाँ पर रहा करते थे, मतलब अपने घर का एक आदमी 24 घंटे जिनको देख रहे हैं सारी चीजें यहाँ पर, मतलब समझ रहे हो, जब पास का बिल्कुल करीब ही चला जाता है तब इंसान को समझ में आती है वो चीजें, और तब उसकी इंपोर्टेंस समझ में आती है कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया। तो ये चीजें यार एक तरीके से इंसान की कदर, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उसके जाने के बाद में ज्यादा कदर होती है इंसान की, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं पूछता, फिर उसकी अच्छाइयां देखने लगते हैं। तो सोसाइटी में चीजें आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी, पर सबसे पहले अभी COVID-19 के टाइम पर, अभी बुआ जी के लड़के थे वो भी यंग ही थे, मैंने बताया था आप लोगों को, उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी इनकी बेसिकली डेथ हो गई है। तो यहाँ पर मतलब अभी तो यार उम्र ही क्या थी, मतलब मेरी उम्र के थे अभी, समझ सकते हो आप लोग कि इस उम्र में निकल जाना तो क्या कंडीशन बनती है। और कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पर भी, कुछ दिनों के मतलब 4-5 साल हो गए, अभी मामा जी की भी डेथ हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से ना वो वाली खुशी नहीं आ पाती यार। लेक्चर तो ले ही रहा हूँ पर, लेकिन वो वाला जो एक जो नॉन एक नेचुरल जो होता है ना, वो वाला आप लोग समझ सकते हैं, वो नहीं बन पा रहा है। हाँ वही है कि चीज़ें आराम आराम से चलेंगी तो 1-2 दिन में हालांकि रिकवर हो जाती हैं फिर चीज़ें, पर वही है कि कहीं ना कहीं दिमाग में तो यार चीज़ें बैठी रहती हैं, वो बार बार ना चाहते भी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कई बार अपनी ज़िंदगी में भी, अगर कोई आसपास का करीबी पर्सन चला जाता है तो वही है, बाकी कोई नहीं है, बाकी तो यार सब चीज़ें लेक्चर तो बना ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बोल सकते हो कि ठीक है यार चलो ठीक है, PDF वगैरह भी कल लेट हो गई थी थोड़ी सी, तो चीज़ें प्रोवाइड करा ही रहा हूँ यार, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अगर ऐसा मतलब है ना आप लोगों को कुछ चीज़ें पैटर्न में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ, जब हाथ में चोट लगी थी मैंने 1 हफ्ते तक कोशिश की कि आप लोगों के साथ में शेयर ना किया जाए, मैंने कहा फालतू में फिर दुनिया भर के मैसेज आएंगे कि सर क्या हो गया क्या हो गया। तो मेरे हाथ में जब चोट लगी थी तो मैं हाथ से पेन ही नहीं पकड़ पा रहा था राइट हैंड से वो, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि पेन यूज ना करूं, तो फिर बच्चे कहने लगे, मतलब आप लोग बोलने लगे बहुत सारे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, पेन यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा यार क्या ही बोलूं बस, तो पहले तो मैंने रिप्लाई करने की सोचा नहीं, मैंने कहा फालतू में आप लोग परेशान हो जाते हो, इतने सारे कनेक्ट हो चुके हो इस तरीके से, तो मैंने उसको वैसे ही मैंने कहा चलो चलने देते हैं। पर फिर बहुत ज्यादा हो गया कि सर आप तो पढ़ाने के मूड में नहीं हो, पढ़ाने का मन नहीं करता था, पढ़ाना छोड़ दे, ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे 2-3 यार। तो फिर मैंने लगा कि मैंने कहा यार ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो कभी कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, तो उसको मतलब सोचा करो कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे, ठीक है। कभी कोई लेक्चर लेट हो जाता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया। तो बिना रीज़न के ऐसा ऐसा कोई नहीं है, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जब से मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर मैंने कभी ड्रॉप नहीं किया, चाहे कोई भी सिचुएशन मेरे साथ में क्यों ना रही हो, ठीक है। तो मेरा पर्पज ये रहता है कि लेक्चर आप लोगों तक कम से कम पहुँचे, तो बस वही है यार चीज़ें। बाकी तो अपने हाथ में जितना यार देखो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब उनकी डेथ हुई है तो अपने हाथ में तो था नहीं, पर हाँ पर कनेक्टिविटी तो एक रहती है ना, वो अंदर से वो वाला दुख है वो मतलब उभर उभर जाता है कई बार रोने का मन करता है बैठे बैठे अकेले। चलती हैं यार चीज़ें, ज़िंदगी ऐसी है, ठीक है। बहुत परफेक्ट नहीं होती है ज़िंदगी, ऐसी चलती है। आप लोगों को इसको अच्छा बनाना है और अच्छे से लेकर चलना है, तभी चीज़ें पैटर्न में चलती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो भी आसपास में आप लोग के लोग रहते हैं उनसे प्यार करो, पसंद करो उनको, अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम निकालो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। वही कहते हैं, इंसान सुना भी होगा आप लोगों ने कि जीता ऐसे जैसे कभी जाएगा नहीं और चला ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो ये मैं आप लोग कई बार बोलता हूँ ये बातें, तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक पल को एंजॉय करो, काम को भी करो, पर लेकिन ये नहीं कि काम के पीछे पड़े हो, अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करो, मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए सही है, ध्यान रखिए यार अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली BJP के द्वारा काफी अच्छी जीत आई, तो उसी के चलते कई सारे आर्टिकल थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो हम लोगों ने देखे, और यूक्रेन से हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनको वापस लाया जा रहा है। तो उसके चलते अभी रशिया कह रहा है कि कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बातें जो है पैटर्न में आए, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब जो है उनके द्वारा बातें बोल दी गई हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तो जिसके चलते आप लोग सिचुएशन को समझ सकते हैं, ओके।
तो एक कंडीशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये मैंने अभी सोलर एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया। तो देखिए कई सारे तरीके होते हैं जब सॉल्यूशन निकालने का, और आदमी आता है ना तो सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हो गई। यहाँ पर ये मतलब अगर हम लोग इन प्लेट्स को नीचे लगाते हैं तो जमीन में कितने एरिया में फैल जाती है, पर लेकिन यहाँ पर पेड़ की टहनी बना दी, यहाँ पर तो सोलर ट्री बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि हम लोग सोलर पैनल के थ्रू अगर एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो सोलर ट्री हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो है नहीं कि बढ़िया एक मुद्दा हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया, तो सोलर ट्री भी आप लोग एक अच्छा सजेशन के तौर पर लिख सकते हैं अगर लिखने के लिए आ जाए तो। ठीक है, तो बेसिक इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 की दवाई जब बोला जा रहा है जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से टाटा इंस्टीट्यूट फॉर टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक एंड सोसाइटी जो है, ठीक है, जो उसके डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राकेश मिश्रा, इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई। तो इसके चलते आने वाले टाइम में अगर दवाई आ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना सीजनल बन जाएगा अभी आने वाले टाइम में, बीमारी जाती नहीं है आप लोगों के बीच में ही रह जाती है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये यहाँ पर मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी न्यूज। अगर देखा जाए बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है उसने टारगेट रखा कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाएगी। हमारी कंट्री जो है वो 5 ट्रिलियन की बात कर रही है और महाराष्ट्र अकेला 1 ट्रिलियन की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँ, आप लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आज की डेट में ना अगर हमारी कंट्री का आप लोग राज्य के बारे में बात करें, हर एक राज्य अगर सोचने लगे कि उसको 1 ट्रिलियन पे जाना है, ठीक है, तो सोचो 28 ट्रिलियन हमारी कंट्री की इकोनॉमी हो जाएगी। यूएसए की इकोनॉमी पता है आप लोग कितनी है, लगभग यहाँ पर 20 ट्रिलियन के करीब है, 20 या फिर 19 के करीब है। चाइना की लगभग 12-13 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, 12 से 13 ट्रिलियन आई थिंक। ठीक है, जापान की आप लोगों को लगभग 4 से 5 ट्रिलियन के करीब देखने को मिलेगी, हमारी लगभग 3 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सोचो अगर हर एक राज्य जो है अपने लेवल पर शानदार काम करने स्टार्ट कर दे तो 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी कि यूएसए से भी बहुत आगे, चाइना से तो डबल आगे, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कितना सही रहेगा। तो राज्य अगर मिलकर काम करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग दे सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है ग्रोथ उसका 1.3 बोला जा रहा है यहाँ पर जनवरी के अंदर में, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इन सब के एरिया में, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए जब भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोर सेक्टर के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं एसएलवीपीडिया पर। जब आप लोग जाकर यहाँ पर सर्च करोगे IIP, ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा खुलकर आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने प्रोवाइड करा रखा है, यहाँ पर देखते हैं हिंदी में ऊपर वाला हो गया, ठीक है, इसी के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। और यहाँ पर बेसिकली ब्रॉड सेक्टर और यूज्ड बेस सेक्टर रहते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों को माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बेसिक गुड्स और कैपिटल गुड्स वगैरह इंटरमीडिएट गुड ये नजर आ जाएंगे। बेस ईयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा 2011-12 बेस ईयर है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री अगर बात करें जो इसको यूज किया जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसका यूज करता है जब अपनी पॉलिसी बनाता है। IIP जो है ये एक्सट्रीमली रिलेवेंट है जब हम लोग GDP का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें 8 कोर सेक्टर आप लोगों के सामने यहाँ पर है, इनको आप लोग समझ सकते हैं 8 कोर सेक्टर जो कि यहाँ पर कई बार लगाने के लिए भी आते हैं, इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, 8 कोर सेक्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो यहाँ पर रखेगा। बाकी हिंदी में भी नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, देखिए जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है ना ये सारे काम भी चलते रहते हैं आप लोगों के, आगे बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये चलता फिरता विकिपीडिया मैं बना दूंगा यहाँ पर आने वाले टाइम में, देखिएगा इसको। देखिए कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, सोचता तो बहुत कुछ करना हूं पर लेकिन कई बार छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर चीजें ना एक तरीके से कुछ भी है कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी कुछ नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर आप लोगों को मिलती रहेगी, बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज को लेकर, फिर चीजें आप लोगों को अच्छे लेवल पर भी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ऐसा नहीं कि जल्दी पेशेंस आप लोग खो देते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने इससे पहले भी, कोयले के बारे में जाकर सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तरीके से जाकर सर्च करोगे तो ये आगे फैक्ट क्या क्या मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाए, तो चीजें सर्च करते रहो यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय करते रहो उनको। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर G23 जो है उनके द्वारा बोला गया यहाँ पर कि अभी कांग्रेस में देखेंगे क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की खस्ता हालत होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा इलेक्शन के मुद्दे को लेकर, तो इसलिए उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर कि इलेक्शन के मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। आज का जो सुडोकू है ये है, आप लोग इसको अटेम्प्ट किया कीजिए, और डेली रेगुलर सुडोकू में पोस्ट करता हूँ तो वहां से आप लोग इसको जाकर देख लेना, और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। बाकी जो शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हर्षिता के द्वारा मैंने पूछे थे यहाँ पर,
तो यहाँ पर कैक के बारे में पूछा था, आर्टिकल 148 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जब यहाँ पर अगर एक आर्टिकल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक आर्टिकल है संविधान के अंदर में जिसके बेस पर आप लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। इसी के साथ में मैटरनिटी लीव के बारे में कौन सा आर्टिकल है, कल शाम ही मैंने आप लोग को पढ़ाया, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग बेसिकली देखिए, हाँ, आज शाम को आप लोग को प्रैक्टिस की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, तो पूरा प्रैक्टिस मैं आप लोग यहाँ पर कराऊंगा उस वीडियो के अंदर में। तो कोई भी आप लोग को डाउट नहीं रखना है, डिटेल में उसको आप लोग को एंजॉय करना है, काफी सारी बातें मैं वहां पर प्रॉपर वे में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पर देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन था यहाँ पर, कर मैंने आप लोगों से नॉर्मन बॉरलॉग के बारे में बात की थी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए वैसे तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पर लेकिन मेक्सिकन जो वीट है उनके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेक्सिकन बेसिकली यहाँ पर वीट के बारे में बात की, वैसे बिलोंग करते हैं यूएसए से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन है जो आप लोगों के द्वारा बताया गया। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से नोटिस करते हो, कोई अगर गलत चीजें पढ़ाते हो आप लोग उसको नोटिस करके बताते हो, तो ऐसा आप लोग जरूर किया करो, उससे मतलब मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग भी जग रहे हो, अच्छे से चीजों को देख रहे हो, ठीक है। यानी कि लेक्चर सो तो नहीं जाते हो, एक ऐसा तो नहीं है बहुत बोरिंग पढ़ाता हूँ कि सो गए यार, ठीक है। तो उसको ऐसे नहीं करना है, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और बाकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है, तो ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भी डर गया होगा कि यार इंडिया को क्या सोच रहा है ये, इस तरह की कंडीशन। तो वही है, चलिए ठीक है, नॉर्मल है चीजें, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है, बात करके चीजों को सुधार ले जाए, ठीक है। और इंडिया और चाइना भी सॉल्यूशन निकालने की बातें कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर इतने रखते हैं, जितना था जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने सारी कवर कर दी है, कोई भी आप लोगों का पॉइंट नहीं छुड़ा है, तो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर कर दी है, ठीक है। हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को नया देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए लेक्चर अच्छे से एंजॉय करते रहा करिए, और फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दे कीजिए, आप लोगों को नहीं दिखेंगे डिसलाइक, पर लेकिन मुझे दिख जाते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।